हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मास्टर लेआउट बनाया था रिलेटेड टू ऑथ पेजेस, और हमने कुछ ऑथ के पेजेस इंप्लीमेंट किए थे जैसे कि न्यू लॉगिन, न्यू रजिस्टर एंड न्यू फॉरगेट पासवर्ड पेजेस। लेट मी शो यू द राउट्स वंस अगेन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये राउट था हमारे मास्टर ब्लेड का, जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके अलावा जस्ट मैं आपको रीकैप कर देता हूँ कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट क्या किया था। मैं रन करता हूँ सैम, ओके, और यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस करते हैं CDC जैम htdocs एंड ब्लॉग। ओके, लेट्स रन आवर प्रोजेक्ट PHP आर्टिशन सर्व, दैट्स इट। ओके, चलिए अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस करके देख लेते हैं 127। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने जो लास्ट टाइम न्यू पेजेस बनाए थे वो था न्यू रजिस्टर, ओके, और एक और पेज था न्यू लॉगिन, और एक और पेज था न्यू फॉरगेट। ओके ओके, सो अभी भी अगर आप नोट करें तो हम लोगों ने मास्टर लेआउट बना दिया और अपने न्यू कस्टम ऑथ के पेजेस बना दिए, लेकिन अभी भी अगर आप गौर करें, अगर मैं एक्सेस करता हूँ लॉगिन ब्लेड लॉगिन के लिंक को, तो अभी भी हमारे पास ओल्ड व्यू आ रहा है जो कि ऑथ का कस्टम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने न्यू पेजेस को इन ऑथ के कस्टम पेजेस से रिप्लेस कर रहे होंगे और उसके बाद हम इनको फंक्शनल बना रहे होंगे। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं रिप्लेस करूंगा अपने इस लॉगिन पेज को हमारे न्यू लॉगिन पेज के साथ। लेट मी शो यू इसके साथ। ओके, तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मैं मूव करता हूं सबलाइम में, और यहां से मैं मूव करता हूं ब्लॉग की डायरेक्टरी में ऐप, और ऐप में हमारे पास है HTTP, उसके अंदर हमारे पास फोल्डर मौजूद है कंट्रोलर्स का, और उसके अंदर एक फोल्डर है ऑथ का, राइट हियर। इसको क्लिक कर लेते हैं, और यहां पे लॉगिन controller.php आप देख सकते हैं जो कि कंट्रोलर है। और अगर मुझे इस लॉगिन पेज को बेसिकली जो हमारे पास प्री डिफाइंड ऑथ का पेज आता है लॉगिन का, अगर उसको हमने अपने न्यू पेज से रिप्लेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। मैं एक्सेस करता हूं ऑथेंटिकेट्स यूजर इस क्लास को, राइट हियर, बेसिकली एक ट्रेट है। और यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो व्यू रिटर्न कर रहा होता है वो होता है auth.login, जो कि हमारे पास यहां पे मौजूद होगा। लेट मी शो यू रिसोर्सेस व्यू auth, और यहां पे आप देख सकते हैं auth login, ओके, ये वाला पेज। तो इस पेज को अब मुझे अपने कस्टम पेज के साथ रिप्लेस करना है, तो मैं जस्ट यहां से मेथड को कॉपी करता हूं, ठीक है, और इसको मैं अपने लॉगिन कंट्रोलर में, जो कि बेसिकली auth login कंट्रोलर है, यहां पे नीचे आके कंस्ट्रक्टर के नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। बेसिकली ये करेगा क्या, ये हमारे उस ट्रेड के मेथड से ओवरराइड हो जाएगा। बेसिकली हमारा जो ये मेथड है अब ये कॉल हो रहा होगा बजाय उस ट्रेड के मेथड के। लेट मी शो यू वंस अगेन। ओके, इस मेथड की जगह अगर हम इसको कॉपी करके यहां अपने लॉगिन कंट्रोलर में बताएंगे तो अब हमारे पास ये मेथड रन हो रहा होगा बजाय इस मेथड के। ओके, तो यहां पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और अब मैं यहां पे अपना व्यू बता देता हूं जो मुझे यहां पे रन करना है। मैं इसको रिमूव करता हूं और बताता हूं कस्टम ऑथ, और उसके अंदर हम मेरे पास एक पेज है जिसका नाम है न्यू लॉगिन, मुझे वो कॉल करना है। लेट मी जस्ट शो यू, मैं अब बैक करता हूं, ओके, और यहां से रिफ्रेश करके मैं एक दफा फिर से लॉगिन का पेज एक्सेस करता हूं। और अब आप देख सकते हैं हम लोग जब भी लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अब हम रिडायरेक्ट होंगे अपने न्यू पेज के ऊपर। ओके गाइस, लेकिन अभी भी ये स्टिल फंक्शनल नहीं है, पहले पेजेस को रिप्लेस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग रजिस्टर को रिप्लेस कर देते हैं अपने कस्टम पेज से। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं लॉगिन कंट्रोलर को क्लोज करता हूं, ऑथेंटिकेट्स यूजर की ट्रेड को क्लोज करता हूं, और यहां से अब मैं कंट्रोलर्स में ऑथ मूव करता हूं रजिस्टर कंट्रोलर। ओके, और यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास रजिस्टर कंट्रोलर की क्लास है जो कि यूजर क्रिएट कर रही होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट टास्क जो है वो है रजिस्टर यूजर्स, इस क्लास को मैं एक्सेस करता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं बेसिकली ये भी एक ट्रेट है। ओके, और यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो रजिस्टर का पेज हो रहा होता है वो इस मेथड के थ्रू हो रहा होता है, तो मैं इस मेथड को कॉपी कर लेता हूं।
ठीक है, और मैं वापस मूव करता हूँ अपने रजिस्टर कंट्रोलर में, और यहाँ पे जस्ट लेट से कंस्ट्रक्टर के नीचे वंस अगेन मैं यहाँ पे अपना ये मेथड वापस से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इस केस में भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना न्यू राउट बताऊंगा, और जब ये मेथड हम अपनी क्लास के अंदर रजिस्टर कंट्रोलर या लॉगिन कंट्रोलर की क्लास के अंदर अगर हम ये मेथड डिफाइन कर देते हैं तो ये ओवरराइड कर देता है। बेसिकली इस केस में ये वाला मेथड रन होगा बजाय इसके ट्रेड के। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूं कस्टम ऑथ और डॉट न्यू रजिस्टर, दैट्स इट, नाइस एंड सिंपल। ओके गाइस, सो यहाँ पे अब मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, और अब आप देख सकते हैं हम लोग जब भी रजिस्टर का राउट हिट करेंगे तो हमारे पास हमारा रजिस्टर का पेज जो हमने कस्टम बनाया वो इनिशियलाइज हो रहा होगा। ओके गाइस, सो द लास्ट स्टेप इज जो कि है फॉरगेट पासवर्ड का पेज, जो कि मैं इस केस में नहीं देख सकता क्योंकि मैंने लिंक्स को कॉन्फिगर नहीं किया है। तो मैं जस्ट अपने पास लेट से इसको क्लोज करके, ताकि हम अपना फॉरगेट पासवर्ड का पेज भी इंप्लीमेंट कर दें, मैं वापस मूव करता हूँ लॉगिन कंट्रोलर में और इस मेथड को थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मैं फॉरगेट पासवर्ड को भी चेंज कर सकूँ। ओके गाइस, लॉगिन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरगेट योर पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक किया तो इस पेज को भी मुझे चेंज करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मूव करूंगा फॉरगेट पासवर्ड कंट्रोलर, और यहाँ पे है सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, इसको एक्सेस करते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास मेथड बना हुआ है जिसका नाम है शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म। इसको मैं कॉपी करता हूँ, फॉरगेट पासवर्ड कंट्रोलर में वापस आता हूँ, और यहाँ पे जस्ट बिलो दिस यूज मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमारे ट्रेड के मेथड से ओवरराइड कर देगा, बेसिकली अब ये मेथड रन हो रहा होगा। यहाँ पे मैं अपना कस्टम व्यू बताता हूँ, कस्टम ऑथ जिसका नाम है न्यू फॉर गेट, दैट्स इट, नाइस एंड सिंपल। ओके गाइस, लेट्स रिफ्रेश, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास फॉरगेट पासवर्ड का पेज भी इम्प्लीमेंट हो गया है। अब मैं अपने लॉग इन के मेथड को अनकमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब हम लोगों ने तीनों पेजेस अपने बेसिकली इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। ओके गाइज, अब हमारे पास हमारे कस्टम पेजेस लोड हो रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग अपने इस लॉग इन के फॉर्म को फंक्शनल बना लेते हैं, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इन सब टैब्स को क्लोज करूंगा। और गाइज याद रखिएगा, अब हमें इन मेथड्स की जरूरत नहीं है, इन राउट्स की, ये मैं एंड ऑफ द वीडियो इनको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने लॉग इन और रजिस्टर पेजेस को फंक्शनल बना लेते हैं। ओके, तो यहां से मैं ओपन करूंगा न्यू लॉग इन ब्लेड जिसको मुझे फंक्शनल बनाना है, और ऑथ से मैं ओपन करूंगा लॉग इन ब्लेड, दोनों को एट अ टाइम मुझे ओपन करना है। ओके, राइट हियर। ओके, तो यहां से मैं इस फॉर्म को कॉपी करता हूं, कॉपी, और न्यू लॉग इन ब्लेड जिससे मुझे रिप्लेस करना है, जिसको मुझे फंक्शनल बनाना है, मैं वहां पे जाके इसको पेस्ट करूंगा। ये क्लास हमें यूजर डिफाइन करनी पड़ेगी ताकि कोई हम लोग के जो होते हैं CSS वगैरह को ना छेड़ें, और इसका नाम था यूजर, दैट्स इट। ओके, उसके बाद हम नीचे आते हैं, और लेबल की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा ऑल नेसेसरी चीजें जो मौजूद हैं वो मैं यहां से कॉपी करूंगा, राइट हियर कॉपी, और न्यू लॉग इन ब्लेड में आऊंगा और इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा, दैट्स इट। और यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं जैसे कि फॉर्म कंट्रोल यूजर जो मुझे बतानी पड़ेंगी, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ फॉर्म माइनस कंट्रोल यूजर, या राइट। ओके, सो ये भी हो गया। अब मुझे इससे रिलेटेड इसका एरर भी डिस्प्ले करवाना होगा, तो मैं एरर को भी कॉपी कर लेता हूँ, और लेट्स से हम इस केस में पेस्ट कर देते हैं इसको यहाँ बिलो दी इनपुट फील्ड। ओके गाइज, अलाइन कर लेते हैं, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट टास्क है वो है पासवर्ड। मैं वापस अपने ऑथ की ब्लेड में मूव करता हूँ लॉग इन ब्लेड में, और यहां से मैं इनपुट फील्ड से सब कुछ उठा लूंगा आईडी तक, कॉपी, यहाँ पे आता हूँ, और हमारी जो पासवर्ड की फील्ड है राइट हियर इनपुट फील्ड जो है उससे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। और यहाँ पे भी मुझे एक और क्लास बतानी पड़ेगी जिसका नाम था फॉर्म कंट्रोल यूजर। ओके गाइज, और इससे रिलेटेड एरर को भी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, एंड जस्ट बिलो द पासवर्ड फील्ड यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, अलाइन, दैट्स इट। ओके,
ओके गाइस, सो जो थर्ड फील्ड है वो है रिमेंबर मी की, राइट हियर आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ओके और जो क्लासेस होंगी वो हम रिस्पेक्टिव रहने देंगे, ताकि हमारा जो नई जो ब्लेड है उसमें कोई CSS का इशू ना आए। तो क्लास यूज कराए कस्टम कंट्रोल इनपुट आईडी कस्टम चेक, तो इसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। ओके गाइस, और यहाँ पे लेबल भी यूज हो रहा है, कस्टम कंट्रोल लेबल फॉर कस्टम एटसेट्रा। तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, नेसेसरी चीजें जो हैं वो उठा लेता हूँ, जैसे कि नेम है और आईडी रिमेंबर। ओके ओके एंड अपटेल राइट हियर। ओके गाइस, ताकि मैं उसकी कोई CSS को छेड़ू नहीं, इस वजह से मैं बहुत देख के यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ओके यस, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और आईडी दो दफा डिफाइन हुई भी है, तो मैं इस आईडी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। दैट्स इट। नेम हम लोगों ने एक दफा डिफाइन किया हुआ है, दैट्स इट, लुक्स परफेक्टली फाइन। लेट्स रिफ्रेश और देख लेते हैं कुछ कोई चीज हमने छेड़ी तो नहीं है। ओके सो इट इज परफेक्ट, और कोई यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं लगे हुए, वो भी हम डिफाइन कर देंगे। उसके बाद गाइज हम लोग को अपने इस लॉग इन के जो राउट को हिट कर रहा होगा उसको चेंज करना है, और यहाँ से मैं लेट से ये वाला है नुप, ये वाला बटन इसको कॉपी कर लेते हैं, या हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि हम इसको बटन बना लें ए एंकर टैग की जगह। तो यहाँ पे मैं इसको बटन बना लेता हूँ बटन, और इसकी टाइप होगी टाइप सबमिट, दैट्स इट। और यहाँ पे हम लोग को इसकी जरूरत नहीं है, क्लासेस हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। लेट से ओके कट, और यहाँ पे पेस्ट, दैट्स इट। ओके और यहाँ से हम ये लॉग इन को उठा लेते हैं जो टेक्स्ट है, और इस एंकर को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, दैट्स इट। ओके नाइस एंड सिंपल, पेस्ट, दैट्स इट, एंड आई थिंक सो के हमारा फॉर्म अब रेडी है। ओके लेट्स ट्राई टू लॉग इन, और ये आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड फील्ड लगी हुई है। लेट्स से testing@gmail.com, पासवर्ड इज 123, लेट्स से इट इज जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर इनकाउंटर हो गया है, मैच नहीं करते रिकॉर्ड, इसका मतलब है हमारा फॉर्म अब फंक्शनल है। ओके गाइस, सो ये हमारे पास लॉग इन का फॉर्म कंप्लीट हो गया है, और मैं यहाँ पे जस्ट क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड है तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा देना चाहता हूँ अभी से। तो मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, और इनपुट इस पे मुझे प्लेस होल्डर चाहिए, एंड में लोड कर देते हैं प्लेस होल्डर ईमेल एड्रेस। ओके और यहाँ पे पासवर्ड का प्लेस होल्डर देते हैं, प्लेस होल्डर पासवर्ड, दैट्स इट। लेट्स रिफ्रेश, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेस होल्डर भी लोड हो गए हैं। इस केस में हमें लॉग इन विथ गूगल विथ फेसबुक एटसेट्रा की जरूरत नहीं है, तो मैं इनको भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैं मूव करता हूँ डाउनवर्ड, और राइट हियर एच आर, दैट्स इट। ओके तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, दैट्स इट। ओके लेट्स रिफ्रेश, और ये आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म और ही सिंपल हो गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने राउट्स चेंज करने हैं, जो कि मैं लॉगिन से उठा सकता हूँ। लॉगिन में बेसिकली मेरे पास एक तो मौजूद है जो हमें रीडायरेक्ट करेगा फॉरगेट पासवर्ड पेज पे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस एंकर को कॉपी, और हम अपने इस लिंक के साथ इसको चेंज कर देते हैं राइट हियर, जो कि हमें रीडायरेक्ट करेगा फॉरगेट पासवर्ड पेज पे। ओके सिली मिस्टेक, ए का टैग है, यहाँ पे ए से स्टार्ट लेंगे हम लोग ए, और इसको यहाँ पे हम लोग करेंगे बेसिकली ब्रैकेट बताना था, दैट्स इट, लुक्स फाइन। लेट्स रिफ्रेश, और फॉरगेट पासवर्ड पेज को एक्सेस करके देख लेते हैं। ओके तो अब आप देख सकते हैं हम लोग फॉरगेट पासवर्ड पेज पे मूव कर गए हैं। इसी तरीके से हमें क्रिएट एन अकाउंट के पेज को भी इनिशियलाइज करवाना है। देख लेते हैं इसका लिंक यहाँ पे मौजूद है नहीं, तो हम बाद में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसको कंप्लीट कर लें। तो लेट्स से हमारे लॉगिन पेज का राउट क्या था,
राउट रजिस्टर होगा आई थिंक, या तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसकी जगह मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे राउट हो जाएगा लेट्स से जस्ट रजिस्टर। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेट्स रिफ्रेश और लॉगिन पेज से अगर मुझे फॉर रजिस्टर के पेज पे आना हो तो भी मैं आ सकता हूँ, फॉरगेट पासवर्ड के पेज पे जाना हो तो भी मैं जा सकता हूँ। इसका मतलब है हमारा लॉगिन का पेज कम्प्लीटली फंक्शनल है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने रजिस्टर के पेज पे, तो मैं लॉगिन को क्लोज कर देता हूँ। ओके, नाउ मैं ओपन करता हूँ ऑथ से रजिस्टर की ब्लेड को राइट हियर और अपने न्यू कस्टम फाइल्स जो मैंने बनाई थी उसमें से मैं ओपन करता हूँ न्यू रजिस्टर को राइट हियर। ओके ओके, सो यहाँ से अब हम फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं और फॉर्म से यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे हम क्लास बता देते हैं यूजर की, लेट्स से क्लास यूजर। ओके, ताकि फॉर्म में कोई छेड़खानी ना हो। एक्सेस करते हैं हमारे रजिस्टर के पेज को। ओके, यहाँ से अब हमें कुछ चेंजेस करनी है जैसे फील्ड से रिलेटेड, तो मैं यहाँ से जस्ट इसको कॉपी करता हूँ फ्रॉम, इसके लिए यहाँ से मैं सब कुछ ले रहा हूँ इस फील्ड का, इस इनपुट फील्ड का, और मैं इसको यहाँ से रिप्लेस करूँगा। लेकिन इस केस में हमें फर्स्ट नेम की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक ही फील्ड होगी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो मैं यहाँ से लास्ट नेम को रिमूव करूँगा फ्रॉम राइट हियर, लेट्स से इसको रिमूव कर देते हैं। एंड इन दिस केस मैं इसको बना देता हूँ 12 कॉलम का, दैट्स इट। लेट्स रिफ्रेश, पहले चेक कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, दैट्स इट। इसको अब मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। ओके, दैट्स इट। और यहाँ से अब मैं इससे रिलेटेड एरर को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे जस्ट बिलो द इनपुट फील्ड। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक और क्लास बतानी है, फॉर्म माइनस कंट्रोल माइनस यूजर, या दैट्स इट। अलाइन कर लेते हैं, दैट्स इट, परफेक्टली फाइन। ओके, सेकेंड जो फील्ड है इनपुट फील्ड उसका नाम है ईमेल, ईमेल से भी मैं सब कुछ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, न्यू रजिस्टर में मूव करता हूँ, इस ईमेल की इनपुट फील्ड से रिप्लेस कर देता हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे वापस हमें क्लास बतानी पड़ेगी, फॉर्म कंट्रोल यूजर। एरर से रिलेटेड यहाँ से हम स्पैन को कॉपी कर लेते हैं और जस्ट बिलो द इनपुट फील्ड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। ओके, सो थर्ड थिंग इज पासवर्ड, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अगेन और यहाँ पे पासवर्ड से रिप्लेस कर लेते हैं पासवर्ड की इनपुट फील्ड से, या ओके। और यहाँ से हम इससे रिलेटेड एरर को भी कॉपी कर लेते हैं जो कि स्पैन में शो हो रहे होंगे और जस्ट बिलो की इनपुट फील्ड पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। उसके बाद हम कॉपी करेंगे कंफर्म पासवर्ड से रिलेटेड इनपुट फील्ड का डाटा जो भी था, यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ अपनी फील्ड के साथ, दैट्स इट। ओके गाइस, नाइस एंड सिंपल अभी तक, ठीक है। और उसके अलावा हमें इसको बटन बनाना है जो हमारे पास फील्ड है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ सबसे पहले, या ओके। इसको हम लोगों ने बनाना है बटन, ओके, और क्लास पीटीएन प्राइमरी एटसेट्रा, और इसको बटन में तब्दील करना है बटन, दैट्स इट। उसके अलावा हमें यहाँ पे इसको बताना है बटन टाइप सबमिट, दैट्स इट। ओके, या एवरीथिंग लुक्स गुड। ओके, लेट्स रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास इंक्लूड नहीं करी है, इस वजह से ये इनपुट फील्ड्स इस तरीके से शो हो रही हैं। मैं यहाँ पे जस्ट क्लास ऐड कर दूँ, फॉर्म कंट्रोल यूजर, दैट्स इट। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्लास ऐड करनी है, फॉर्म कंट्रोल यूजर, दैट्स इट। रिफ्रेश, और अब आप देख सकते हैं फील्ड हमारे पास सारी की सारी अवेलेबल हैं। और यहाँ से भी मैं एक्स्ट्रा रजिस्टर विद गूगल और फेसबुक ये सब रिमूव करूंगा क्योंकि हम लोग इस प्रोजेक्ट में एटलीस्ट ये यूज नहीं कर रहे होंगे। ओके, नाइस, दैट्स इट। रिफ्रेश,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमें क्रिएट एन अकाउंट के पेज पे एटलीस्ट फॉरगेट पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब बंदा यूज़र बना रहा है तो वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के लिंक का क्या काम। तो इस वजह से मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आप चाहें तो आप रख सकते हैं और लिंक वहाँ पर रिस्पेक्टिव बता देंगे, दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग HRF बता देते हैं राउट, जो कि होगा लॉगिन के पेज का। अगर किसी का ऑलरेडी अकाउंट है तो वो डायरेक्टली लॉगिन के पेज को एक्सेस करके लॉगिन कर सकता है। दैट्स इट गाइस। या रिफ्रेश, और यहां से अगर मैं एक्सेस करता हूं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो मैं इधर मूव कर जाता हूं और वापस आ जाते हैं और इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ये हमारे इस पेज के साथ थोड़ा सिमिलर हो जाए। ओके, तो यहां से मुझे लगता है कि मुझे स्मॉल की फील्ड हटानी पड़ेगी, क्लास जो है। ओके, दैट्स इट, रिफ्रेश। या लुक्स फाइन। और यहां पे अब हम प्लेस होल्डर बता देते हैं, और सबसे पहले होगा इनपुट फील्ड नेम से रिलेटेड, तो यहां पे मैं प्लेस होल्डर नेम का दे देता हूं, और यहां पे ईमेल का प्लेस होल्डर ईमेल, और इसी के साथ यहाँ पे बता देते हैं पासवर्ड का प्लेस होल्डर पासवर्ड, एंड कंफर्म पासवर्ड के लिए यहाँ पे दे देते हैं प्लेस होल्डर कंफर्म पासवर्ड, दैट्स इट। ओके गाइस, ओके, सो लेट्स चेक इफ इट इज फंक्शनल और नॉट। रजिस्टर करता हूँ, फिल आउट दिस फील्ड का एरर आ जाता है, लेट्स से टेस्टिंग और टेस्टिंग एट gmail.com, लेट से 1234 1234, कन्फर्म पासवर्ड 1234 1234, रजिस्टर अकाउंट। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शनल है। अब मुझे इससे रिलेटेड एरर्स देखने हैं कि अगर मैं लेट से ईमेल जो मैंने यूज करी हुई है वही बताता हूँ तो क्या होता है। मैं बेसिकली एरर कन्फर्म करना चाह रहा हूँ, 1234 1234, let's say okay the email has already been taken and the password must be at least 8 characters। okay, so ye hamara form fully functional hai, aur agar aap chahe iski validation change karna apne accordingly to aap kar sakte hain। okay guys, okay, so next task is forget password ke page ko functional banana, kyunki ye abhi functional nahi hai, just a dummy page hai। main move karta hu sublime pe, new register ko close kar deta hu रजिस्टर को, और यहां से मैं एक्सेस करता हूं पासवर्ड ईमेल रीसेट ईमेल, आई थिंक या दिस वन मुझे लग रही है, ठीक है, या यही है। उसके बाद मैं यहां से एक्सेस करता हूं न्यू फॉरगेट को, और इनको साइमल्टेनियसली मुझे ओपन करना है, और ईमेल से लेट से सबसे पहले मैं सेशन लूंगा ताकि हम एरर वगैरह देख सकें, और लेट से इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ओके, जस्ट बिलो दिस पी टैग। ओके, उसके बाद हम फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इस फॉर्म से रिप्लेस कर लेते हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे क्लास बता देते हैं, क्लास यूजर, दैट्स इट। ओके, उसके बाद ईमेल से रिलेटेड जो भी इस फील्ड की एट्रीब्यूट्स हैं मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल जी मिस्टेक कॉपी कर लेता हूं, और यहां पे आके मैं इस इनपुट फील्ड के साथ इसको रिप्लेस कर देता हूं, और यहां पे मुझे एक और क्लास बतानी पड़ेगी, फॉर्म कंट्रोल और माइनस यूजर, सॉरी गाइस, ओके, या फॉर्म कंट्रोल यूजर, और इसी से रिलेटेड हमें अगर इससे कोई रिलेटेड एरर है तो उसको भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं जस्ट बिलो दिस इनपुट फील्ड, और यहाँ पे प्लेस होल्डर बता देते हैं, प्लेस होल्डर इसका नाम होगा ईमेल एड्रेस एड्रेस, या लाइक दिस, ओके ओके यस। और यहाँ पे इसको एंकर की जगह हम बटन बना देते हैं, बटन जिसकी टाइप होगी सबमिट, दैट्स इट। और ये लिंक की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये बटन है, दैट्स इट, और इसको रिप्लेस करते हैं बटन से, दैट्स इट, कंप्लीट आई थिंक सो। ओके, सो लेट्स से मैं करता हूँ रीसेट पासवर्ड,
और ये रिक्वायर्ड फील्ड है। तो लेट्स से मैं कोई रॉन्ग ईमेल बता देता हूँ अपनी ही .com, क्योंकि ये अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये एरर देना चाहिए, या राइट हियर वी कांट फाइंड अ यूजर विद दैट ईमेल एड्रेस एटसेट्रा। तो अभी अगर मैं किसी ओरिजिनल ईमेल एड्रेस पे भेजूंगा तो ये कोड क्रैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने ईमेल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। तो होपफुली आप देख सकते हैं कि हमारे पेजेस फुली कॉन्फ़िगर्ड हैं, और यहाँ पे अगर हम इन लिंक्स को कॉन्फ़िगर करना चाहें, आई डोंट थिंक सो कि ये कॉन्फ़िगर्ड हैं, या तो हम इनको भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं ताकि ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा इसको स्मॉल से हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम बताएंगे क्रिएट एन अकाउंट की जगह राउट होगा रजिस्टर का, रजिस्टर, दैट्स इट। और यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, और हम यहाँ पे बता रहे होंगे लॉग इन का राउट, या राउट, और इस केस में होगा लॉग इन, दैट्स इट, नाइस एंड सिंपल। ओके गाइस, लेट्स रिफ्रेश। ओके, क्रिएट एन अकाउंट, हम मूव कर गए अपने रजिस्टर के पेज पे, और यहीं से अगर मैं करता हूँ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो लॉग इन, लॉग इन के पेज पे मूव कर गए। और अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म फुली फंक्शनल है, लेट्स से दिस वन एंड वी कांट फाइंड ईमेल एड्रेस, परफेक्टली फाइन। इसी तरीके से मैं आके लॉग इन कर लेता हूँ। फाइनली आप लोग को लास्ट टाइम दिखा दूँ कि ये यूज़र एग्जिस्ट हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में ही बना लिया था जब हमने ऑथ इम्प्लीमेंट किया था। मैं लॉग इन करके ट्राई कर लेता हूँ लॉग इन, और आप देख सकते हैं हम सक्सेसफुली लॉग इन कर गए हैं। ओके गाइज, तो हम लोगों ने अपने कस्टम पेजेस को लारावेल ऑथ पेजेस के साथ रिप्लेस कर दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे कुछ लिंक्स बता रहे होंगे, जैसे कि लॉग इन के पेज के ऊपर हमारे पास लिंक्स तो हैं, तो वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काम कर रहे होंगे वो ये होगा कि हम लोग अपने डैशबोर्ड को, जो कि होगा एडमिन डैशबोर्ड, उसको कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, उसके लिए मास्टर ब्लेड बना रहे होंगे, उसके पेजेस क्रिएट कर रहे होंगे, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपनी वेबसाइट के फ्रंट पेजेस पे। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।